हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम देखने वाले रेसिडेंशियल स्टेटस इस चैप्टर के लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाले ठीक है तो इसके पहले हम लोग जो है वो कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं हमारा शॉर्ट में यानी कि बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन इसके अलावा भी और सारा कंसेप्ट है तो हमने कंसेप्ट का अलग से एक वीडियो पहले ही बनाया हुआ है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंसेप्ट का लिंक मिल जाएगा तो शुरू करते हैं पहले हम लोग बेसिक कंडीशन हमने क्या क्या डिस्कस किए राइट तो अगर किसी पर्सन को रेसिडेंट बनना है तो ही हैज टू कंप्लीट एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन राइट तो अगर वो दो में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरा करता है तो हम उसे क्या कहते हैं रेसिडेंट कहते हैं राइट right? तो उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या था कि ही और शी इज़ फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज़ और मोर इन द प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस ईयर में उनका वन एट्टी टू डेज होना चाहिए या वन एटी टू या उससे ज़्यादा और सेकेंड बेसिक कंडीशन है कि अगर आपका फर्स्ट नहीं होता तो देखिए यहाँ पे हमने और लिखा है तो अगर आपका फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरा नहीं हो रहा तो वो कह रहे हैं आपको कि आपका प्रीवियस ईयर में कम से कम कितने डेज होने चाहिए सिक्सटी डेज होने चाहिए एंड प्रीवियस ईयर के पहले के प्रिसडिंग फोर ईयर्स में कितने डेज होने चाहिए थ्री सिक्सटी फाइव डेज और मोर राइट तो सेकेंड बेसिक कंडीशन के अंदर दो पार्ट है कि प्रीवियस ईयर में सिक्सटी डेज राइट और प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग फोर ईयर्स में आपके 365 प्लस डेज होने चाहिए ठीक है तो अगर ये दोनों बेसिक कंडीशन में से वो कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरा कर देता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो रेसिडेंट हो गया और अगर वो नहीं पूरा करता तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा और अगर समझिए वो रेसिडेंट है तो हमें ये भी चेक करना होगा आगे कि वो रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी और उसके लिए हम क्या देखते हैं एडिशनल कंडीशंस अब एडिशनल कंडीशंस क्या कहते हैं कि आपके दो एडिशनल कंडीशन है टू बिकम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी ठीक है एंड बोथ उनको सेटिस्फाई करना है तो यानी फर्स्ट एडिशनल कंडीशन भी और सेकेंड एडिशनल कंडीशन भी पूरा करना पड़ेगा इसीलिए यहाँ पर हमने और नहीं लिखा है क्या लिखा है एंड तो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन कहता है कि ही हैज़ बीन अ रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट टू आउट ऑफ टेन ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर के पहले के दस सालों में से वो कम से कम दो सालों में क्या होना चाहिए रेसिडेंट होना चाहिए रेसिडेंट होना चाहिए से मतलब है कि कोई भी दो ईयर में उसके कोई एक बेसिक कंडीशंस पूरे होते होंगे राइट right? तो हम कह सकते हैं कि वो दो ईयर में क्या है रेसिडेंट है दो से ज्यादा ईयर रेसिडेंट होता है तो चलेगा बट कम से कम दो तो चाहिए कंडीशन कहता है कि ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ थर्टी डेज और मोर ड्यूरिंग सेवन ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर के पहले के जो सेवन ईयर्स है उसमें उनके टोटल नंबर ऑफ स्टेज क्या होने चाहिए डेज सेवन थर्टी या उससे ज्यादा होने चाहिए ओके okay? तो अगर वो दोनों ये एडिशनल कंडीशन पूरे करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो पर्सन क्या हो गया रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसीडेंट अगर ओनली फर्स्ट हुआ सेकेंड नहीं कर पाए तो फिर वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी हो जाएंगे ठीक है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी के लिए दोनों ही पूरे करने हैं दोनों में से एक किया फर्स्ट कर रहे हैं सेकेंड नहीं कर रहे या सेकेंड हो रहा है फर्स्ट नहीं हो रहा है तो उस केस में हम उसको क्या कहेंगे रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ठीक है और अगर दोनों नहीं किए तो तो भी वो क्या हो जाएंगे रेसीडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ठीक है तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन लास्ट टाइप के हमारे तो पहला हमें पे क्या दिया है देखिए तो फर्स्ट उन्होंने कहा मिस्टर कैनेडी अ सिटीजन ऑफ ठीक है केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन हिज अपॉइंटमेंट एज अ मैनेजर ऑफ थॉमस कुक एंड कंपनी ऑन फर्स्ट अप्रैल 2019 मतलब वो फर्स्ट अप्रैल 2019 को फर्स्ट टाइम इंडिया में आए हैं ठीक है थीके? और उन्होंने कहा ऑन फर्स्ट फेब्रुवरी टू थाउजेंड टू ट्वेंटी ही वॉज ट्रांसफर्ड टू सिंगापुर फॉर थ्री इयर्स तो वहाँ पे उनको वापस से ट्रांसफर कर दिया फेबरुअरी 2020 में ठीक है ही बी के ही केम बैक टू इंडिया ऑन सेकेंड फेबरुअरी 2023 मतलब हमारा जो प्रीवियस ईयर है फर्स्ट अप्रैल 2023 से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च दो उसके पहले वो क्या हो गया है वापस इंडिया में आ गए एंड उन्होंने कहा एंड जॉइंस इज ओरिजिनल थॉमस कुक एंड कंपनी एज अ मैनेजर एंड सिंस देन ही इज़ इन इंडिया मतलब हमारे प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा पहले वो क्या हुआ है इंडिया में आए हैं और उसके बाद वो इंडिया में ही है ऐसा उन्होंने कहा ठीक है और हमें पूछा है उन्होंने डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर कैनेडी फॉर द असेसमेंट ईयर ट्वेंटी फोर ठीक है और गिव एक्सप्लेनेशन फॉर योर आंसर तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि मिस्टर कैनेडी जो है वो रेसिडेंट है या नहीं उसके बाद बात आएगी कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट राइट तो सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जब हम तो हम लोग पहले क्या लिख ऐसा करेंगे पार्ट ए में वेदर ई इज़ अ रेसिडेंट अब मिस्टर कैनेडी की बात करें तो वो क्या है एक यूएसए सिटीज़न है बराबर है राइट सो इज़ अ नॉन इंडियन विजिटिंग इंडिया तो उस केस में उनके पास जो बेसिक कंडीशन है जो पूरे करने हैं वो कौन से कौन से रहेंगे तो दो सबसे पहला बेसिक कंडीशन रहेगा कि प्रीवियस ईयर में फर्स्ट अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 थाउजेंड स्टे इन इंडिया शुड बी मोर देन 182 डेज राइट एंड सेकेंड कंडीशन क्या है उनके लिए कि प्रीवियस ईयर में यानी कि फर्स्ट अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2024 तक अगर उनका 182 नहीं हो रहा है तो कम से कम 60 डेज तो होने चाहिए राइट right? और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग फोर ईयर्स में यानी कि फर्स्ट अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023, राइट right? उनका टोटल नंबर ऑफ डेज जो है वो 365 से क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए ओके okay? अब यहां पर ये तो हमने कंडीशन लिखे अब उनके एक्चुअल कैलकुलेशन की बात करें तो फर्स्ट अप्रैल 2023 का अगर मैं कैलकुलेशन देखूं तो यहाँ पे देखिए हमें उन्होंने क्या कहा था ही केम बैक टू इंडिया ऑन सेकेंड फेबरवरी 2023 मतलब अप्रैल से पहले ही वो इंडिया में वापस आ गए हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो इंडिया में ही है इसका मतलब जब हमारा ये प्रीवियस ईयर शुरू हुआ है अप्रैल टू तब वो इंडिया में थे और उसके बाद तो वो गए ही नहीं इंडिया छोड़कर इसका मतलब जो है उनका प्रीवियस ईयर का जो स्टे है राइट right? वो क्या रहेगा पूरा इंडिया में ही था और प्रीवियस ईयर हमारा जो है इसमें फेब्रुवरी 2024 आ रहा है जो कि एक लीप ईयर है राइट तो इसके लिए वहाँ पे 29 डेज होंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाता है हमारा 366 तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन वो पूरा कर ले रहे हैं क्योंकि 182 एटी डेज से क्या हो गया ज़्यादा हो गया तो हम कह सकते हैं कि मिस्टर कैनिडी इज़ अ रेसिडेंट बिकॉज उन्होंने फर्स्ट कंडीशन जो है वो पूरा किया है ठीक है तो सेकेंड देखने की जरूरत नहीं है अभी अब हम लोग आ जाएंगे ये फाइंड आउट करने के लिए कि वो रेसिडेंट है या ऑर्डिनरी uh, रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी राइट सो असर्टेनिंग वेदर एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो इसके लिए आपको क्या करना है दो एडिशनल कंडीशन है आपके राइट right? तो पहले वो लिस्ट डाउन करेंगे तो मिस्टर कैनेडी विल बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ तो कौन से कौन से कंडीशन है तो पहला कंडीशन है कि टेन आउट ऑफ टू ईयर्स में राइट ही इज अ रेसिडेंट तो दस में से कोई भी दो सालों में करेक्ट कोई भी हो सकते है कंटिन्यूस होना भी जरूरी नहीं है राइट right? और दो से ज़्यादा रहेंगे तो भी चलेगा राइट right? वो क्या होने चाहिए रेसिडेंट होने चाहिए ये हमारा फर्स्ट एडिशनल कंडीशन है एंड सेकेंड एडिशनल कंडीशन हमारी क्या कहती है यहाँ पर ही इज़ इन इंडिया बिटवीन फर्स्ट फोर टू टू थाउजेंड सिक्सटीन टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री यानी कि प्रीवियस ईयर के पहले के सेवन ईयर्स में उनके स्टे कितना होना चाहिए सेवन थर्टी डेज और मोर राइट एटलीस्ट सेवन थर्टी डेज का मतलब कम से कम सेवन थर्टी डेज होना चाहिए उससे ज़्यादा भी चलेगा राइट right? अब उनका एक्चुअल कैलकुलेशन हम देखते हैं तो मिस्टर कैनेडी की अगर हम बात करें तो अगर हम उनके प्रीवियस टेन ईयर्स का स्टे का बात करें तो देखिए प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा पहले वो इंडिया में आए थे राइट सेकेंड फेबर टू फर्स्ट टाइम वो कब आए थे इंडिया में फर्स्ट अप्रैल टू और उस साल वो अप्रैल में आने के बाद रिटर्न कब जा रहे हैं फर्स्ट फेब्रुवरी 2020 को वो रिटर्न जा रहे हैं तो अगर हम काउंट करें उस साल में यानी 1920 में तो उनका टोटल नंबर ऑफ स्टेज़ जो है वो 182 से ज़्यादा हो सकता है राइट right? तो ही इज़ अ रेसिडेंट ओनली फॉर वन ईयर वो एक साल जो है 1920 उसमें उनका स्टे क्या हो रहा है 307 हंड्रेड डेज होगा कैसे तो हम लोग अप्रैल से लेकर फेब्रुवरी तक डेज क्या करेंगे फर्स्ट फेब तक काउंट करेंगे या आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आपके पूरे साल के जो टोटल नंबर ऑफ़ डेज 1920 में कितने रहेंगे 366 रहेंगे उसमें से आप सेकेंड फेबरुअरी से लेकर 31 मार्च उतना माइनस कर दीजिए राइट क्योंकि वो उस समय इंडिया में नहीं थे ना ही ट्रांसफ़र टू तो सिंगापुर बोला है उन्होंने तो अगर 366 में से जितना पार्ट वो इंडिया में नहीं है वो मैं माइनस कर देता हूँ राइट तो मुझे क्या मिलेगा थ्री डेज मिलेगा या तो फिर आप अप्रैल से सारे डेज ऐड करते करते आइए ठीक है तो वो एक साल में वो क्या है रेसिडेंट है बराबर है ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट ऑल और उसके नेक्स्ट ईयर में देखिए उन्होंने कहा थ्री ईयस तक वो सिंगापुर में ही है तो नेक्स्ट टू प्रीवियस ईयर में यानी कि टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में तो वो इंडिया में आए ही नहीं ठीक है और ट्वेंटी वन ट्वेंटी सॉरी और ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री जो है आपका राइट फोर्थ ईयर उसमें वो क्या हुआ ईयर खत्म होने से थोड़ा सा पहले सेकेंड फेबरुअरी को वो इंडिया में आए हैं तो उस केस में क्या होगा अगर हम काउंट करते हैं सेकेंड फेबरुअरी से लेकर तो आपके फेबर के 28 डेज ठीक है और आपके मार्च के थर्टी वन डेज़ बराबर तो उस हिसाब से अगर हम लोग टोटल काउंटिंग करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डेज खाली कितने होंगे फिफ्टी नाइन डेज ही होंगे ओके और फिफ्टी नाइन डेज होने की वजह से उस साल में तो वो रेसिडेंट नहीं हो सकते राइट क्योंकि वो आपका कंडीशन पूरा हो पाएगा नहीं अब इससे क्या हो जाएगा आपका एक ही ईयर जो हो रहा है वो कम्पलीट रेसिडेंट बन पा रहे हैं राइट और कम से कम हमें कितने ईयर्स चाहिए टू ईयर्स चाहिए तो इसका मतलब है कि वो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन पूरा कर पा रहे है, नहीं है अब अगर किसी पर्सन का फर्स्ट ही एडिशनल कंडीशन पूरा नहीं हो रहा तो हमें सेकेंड चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज एडिशनल कंडीशन उन्हें दोनों ही पूरे करने होते हैं राइट तो फर्स्ट अगर उनका कंप्लीट नहीं हुआ तो हम वहीं पर कह सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा दोनों एडिशनल कंडीशन पूरा नहीं कर पाने वाले तो वो क्या हो जाएंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी हो जाएंगे सो so, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ही फेल्स टू सेटिस्फाई द फर्स्ट वन बी कंडीशन सिंस ही डज नॉट सेटिसफाई द कंडीशन वन ए देर इज़ नो नीड राइट टू चेक द कंडीशन नंबर टू तो सेकेंड कंडीशन देख एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं हमें राइट right? हमारा वन ए ही जो है वो पूरा नहीं कर पाए हैं तो इसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं डायरेक्टली कंक्लूजन कि मिस्टर कैनेडी इज अ रेसिडेंट क्योंकि बेसिक तो उन्होंने पूरा किया है इसीलिए वो रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी वाले रेसिडेंट होंगे क्योंकि एडिशनल कंडीशंस वो पूरा कर पाए नहीं है ओके okay? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं यहां पे कहा है मिस्टर जेवियर अ यूके नेशनल कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन फिफ्टींथ अप्रैल 2019, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 ठीक है 2021 2122 2223 एंड 2324 थ्री ट्वेंटी

और दे आर आस्किंग टू डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव गिव एक्सप्लेनेशन फॉर यर आंसर ठीक है तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि मिस्टर जेवियर जो है वो रेसिडेंट है या नहीं राइट तो सबसे पहले सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले यही लिखेंगे पार्ट ए हमें ऐसाटेन करना है कि वेदर इज अ रेसिडेंट तो इसमें मिस्टर जेवियर जो है राइट वो इंडियन सिटीजन नहीं है राइट ना ही वो इंडियन ओरिजिन का है इसका मतलब वो एक्सेप्शन में आते है, नहीं है उनके लिए हम दोनों बेसिक कंडीशंस दे सक देख सकते हैं राइट तो मिस्टर जेवियर रेसिडेंट कब हो पाएंगे ही विल बी रेसिडेंट इफ़ दो बेसिक कंडीशंस है हमारे राइट दोनों में से एक पूरा करना है राइट ही इज़ इन इंडिया फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर यानी प्रीवियस ईयर में वन एटी टू डेज और मोर और दूसरा ही इज़ इन इंडिया फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर फॉर सिक्सटी डेज अगर फर्स्ट नहीं हुआ तो और लिखा right? है हमने राइट सेकेंड है कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर में कम से कम सिक्सटी डेज से ज़्यादा होने चाहिए एंड प्रीवियस ईयर के पहले के चार साल यानी कि फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड नाइनटीन से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक क्या होना चाहिए थ्री सिक्सटी फाइव डेज और मोर राइट right? तो ये दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक अगर वो पूरा कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएंगे रेसिडेंट हो जाएंगे अब हम उनका डेज कैलकुट काउंट देखें तो हमें उन्होंने 23, 24 यानी कि प्रीवियस ईयर का उन्होंने टोटल नंबर ऑफ़ डेज कितना दिया है 65 मतलब फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है राइट बट सेकेंड का चांस है क्योंकि प्रीवियस ईयर में सिक्सटी से ज़्यादा है ना सिक्सटी राइट और उस केस में मैं इसके पहले के चार साल राइट right? तो पहले के चार साल मतलब 65 को छोड़ दीजिए उसके पहले के चार साल का टोटल स्टे करेंगे आप 200 हंड्रेड प्लस नाइन्टी प्लस वन ट्वेंटी राइट right? और इसके थ्री डेज राइट ये चार साल आपके क्या थे टू हंड्रेड थ्री डेज नाइन्टी डेज और वन ट्वेंटी डेज इन चारों को ऐड करते हैं तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि थ्री सिक्सटी फाइव क्या जो है क्रॉस कर जाएगा राइट right? सो so, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि ही इज़ इन इंडिया फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च में कितने डेज़ के लिए थे सिक्सटी फाइव डेज एंड प्रीवियस फोर ईयर का अगर उनका काउंट देखेंगे हम तो 120, 90, 3 डेज़ और 200 डेज़ तो आपका टोटल आ रहा है 413. जबकि हमें क्या चाहिए प्रीवियस फोर इयर्स में 365 से ज़्यादा चाहिए इसका मतलब वो सेकेंड बेसिक कंडीशन पूरा कर पा रहे हैं एंड सो ही विल बी रेसिडेंट ठीक है अब रेसिडेंट हो गए तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा एडिशनल कंडीशंस राइट right? और अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन पूरा कर लेते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी है लेकिन अगर दोनों में से फर्स्ट या सेकंड दोनों में से एक भी अगर पूरी नहीं हो पाई तो वो क्या हो जाएंगे नॉन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी हो जाएंगे ठीक है ना सो so, अब हमें ये चेक करना है कि वेदर ही इज़ अ ऑर्डीनरी रेजिडेंट और इसके लिए हमें दोनों कंडीशन अप्लाई करके देखना है तो पहले कंडीशन लिख देते हैं कि मिस्टर जेवियर विल बी एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ पहला कंडीशन क्या है ही इज रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट टू आउट ऑफ टेन प्रीसीडिंग ईयर्स तो प्रीवियस ईयर के पहले के दस सालों में से कोई भी दो सालों में वो रेसिडेंट होना चाहिए एंड सेकेंड है ही इज़ इन इंडिया बिटवीन फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फॉर एटलीस्ट सेवन थर्टी डेज मतलब प्रीवियस ईयर के पहले के सात सालों में वो कितने डेज होना चाहिए इंडिया में सेवन थर्टी डेज अब इसका कैलकुलेशन आपको देखना है तो अगर मैं पिछले दस सालों का इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है क्योंकि मुझे तो उन्होंने खाली नाइनटीन टू से लेकर इन्फॉर्मेशन दिया है राइट right? तो हमें ये चेक करना है कि उनका कोई भी दो सालों में वो रेसिडेंट हो रहे क्या इसका मतलब कोई भी दो ईयर में प्रीवियस ईयर के पहले उनका 182 एटी डेज से ज़्यादा कंप्लीट हो पा रहा है क्या तो वो चेक करेंगे तो ही इज़ इन इंडिया फॉर 413 वन थ्री डेज डूरिंग द लास्ट सेवन ईयर्स अगर आप देखेंगे तो आपके पास तो टोटल जो भी है प्रीवियस ईयर को छोड़ दीजिए 65 वाला इसके पहले का अगर आप काउंटिंग कर रहे हो तो आपको पता है कि वो टोटल तो कितना हो रहा था ओनली फोर वन थ्री हो रहा था इसका मतलब वो सेवन थर्टी डेज़ हो ही नहीं पा रहा तो आपको टू आउट ऑफ टेन वाला कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं है राइट right? क्योंकि आप सेवे सेकेंड कंडीशन नहीं पूरा हो पा रहा है वो प्रूव कर लेते हो इसका मतलब वो दोनों एडिशनल कंडीशन तो पूरा नहीं कर पाने वाले तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो ही जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे मैं फर्स्ट कंडीशन नहीं चेक कर रहा हूँ क्यों मेरे पास ऑलरेडी सेवन इयर्स का एडिशन है फोर वन थ्री डेज तो मैं वही से कह सकता हूँ कि उनके सेवन इयर्स में ओनली फोर वन थ्री डेज हो रहे जबकि होने कितने चाहिए सेवन थर्टी डेज इसका मतलब वो सेकेंड कंडीशन तो पूरा नहीं कर पाने वाले तो इसके लिए हम लोग उसका फर्स्ट कंडीशन जो है वो चेक नहीं कर रहे हैं राइट डायरेक्टली वी कैन कंक्लूड कि ही इज़ अ रेसिडेंट क्योंकि उन्होंने बेसिक तो पूरा किया है बट वो नॉट ऑर्डिनरी हो जाएंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ठीक है तो यहाँ पर ये सम कंप्लीट हो जाता है इसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए लास्ट क्वेश्चन है अभी आपका इस टाइप का मिस्टर जोसेफ इज अ फ्रेंच सिटीजन नॉट बीइंग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो वो फ्रेंच सिटीजन है और वो इंडियन ओरिजिन के नहीं है इसका मतलब इनके लिए दोनों बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल हो सकती है और उन्होंने कहा सिंस फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड ही विजिट्स इंडिया एवरी ईयर फॉर फ्रॉम द मंथ ऑफ जून फॉर हंड्रेड एंड वन डेज इसका मतलब क्या बोल रहे हैं आपको कि वो दो ईयर 2008-9 से एवरी ईयर इंडिया में आते हैं कभी आते हैं इन द मंथ ऑफ जून और वो पूरे साल कितना डेज स्टे करते हैं वन हंड्रेड एंड वन डेज स्टे करते हैं राइट right? ये फिक्स है उनका तो एवरी ईयर उनका जो स्टे है इंडिया में कितना रहने वाला है हंड्रेड एंड वन डेज और उन्होंने आपको कहा डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर टू थाउजेंड ठीक है तो सबसे पहले मिस्टर जोसेफ की बात करें तो वो क्या है हाँ रेसिडेंट है या नहीं हमें वो चेक करना है राइट उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मिस्टर जोसेफ जो है वो इंडियन सिटीजन नहीं है ना ही उन्होंने बोला वो इंडियन ओरिजिन के हैं इसका मतलब उनके लिए हमें दोनों कंडीशंस जो है वो चेक करनी है ठीक है तो फर्स्ट बेसिक हमारे कंडीशंस क्या क्या है ही विल बी रेसिडेंट इफ़ पहला कंडीशन और दूसरा यहाँ पे पॉइंट वाइज नहीं लिखा है हमने पैराग्राफ लिख दिया है ठीक है ही इज इन इंडिया फ्रॉम फर्स्ट अप्रिल टू टू थर्टी मार्च टू फॉर वन डेज और मोर और बी कंडीशन क्या है हमारा कि ही इज़ इन इंडिया फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर फॉर सिक्सटी डेज और उसके पहले के सेवन ईयर्स में यानी कि फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड नाइनटीन से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री कितने डेज हैं थ्री सिक्सटी फाइव डेज और मोर बराबर तो अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन पूरा सॉरी बेसिक कंडीशन पूरा करते हैं तो वो सेकेंड से हो जाएगा और अगर वो वन एट्टी टू डेज़ पूरा कर देता है प्रीवियस ईयर में तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन से रेसिडेंट हो जाएंगे राइट बट यहाँ पर हमें पता है कि मिस्टर मिस्टर जोसेफ जो है वो एवरी ईयर हंड्रेड एंड वन डेज ही रहे हैं मतलब उनका वन एट्टी टू डेज़ का तो चांस ही नहीं है तो अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो प्रीवियस ईयर में उनका स्टे हंड्रेड एंड वन डेज ही था बराबर तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो पूरा होने का पॉसिबिलिटी नहीं है तो प्रीवियस ईयर का उनका जो स्टे है वो वन हंड्रेड एंड वन डेज है मतलब फर्स्ट का चांस नहीं है लेकिन आप सेकेंड देख सकते हो सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर में आपके कम से कम सिक्सटी तो होने चाहिए और यहाँ पर हमारा हंड्रेड वन हो रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं कि प्रीवियस ईयर में तो 60 क्रॉस हो रहा है अब मैं प्रीवियस ईयर के पहले के चार साल का देखता हूँ अब प्रीवियस ईयर के पहले के चार साल यानी कि फर्स्ट अप्रैल 19 से लेकर थर्टी मार्च 23 थ्री चार साल का बात करूँ तो एवरी ईयर 101 डेज 101 डेज रहा होंगे वो राइट right? तो 101 एंड वन इंटू करेंगे तो चार सालों का टोटल नंबर ऑफ़ डेज कितना हो जाएगा 404 हो जाएगा इसका मतलब उनका चार साल का जो स्टे है प्रीवियस ईयर के पहले का वो 365 क्या हो जा रहा है क्रॉस हो जा रहा है इसका मतलब वो क्या हो गया सेकेंड बेसिक कंडीशन पूरा कर ले रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में सिक्सटी से ज़्यादा है और प्रीवियस ईयर के पहले के फोर ईयर्स में थ्री सिक्सटी डेज क्रॉस हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि मिस्टर जोसेफ इज़ अ रेसिडेंट एज इज़ फुलफिलिंग द कंडीशन नंबर टू ठीक है अब वो रेसिडेंट हो गए तो हमें ये भी चेक करना होगा कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं सो so सेकेंड हम लोग ये चेक करेंगे कि वेदर इज़ अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट और उसके लिए मिस्टर जोसफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब कहलाएंगे जब हम लोग जब वो है दो एडिशनल कंडीशन पूरा कर लेते हैं तो वो कौन से कौन से हैं तो ही इज़ अ रेजिडेंट फॉर एटलीस्ट टू आउट ऑफ टेन प्रिसिडिंग ईयर्स यानी दस सालों में से कोई भी दो सालों में उनको रेसिडेंट बनना होगा मतलब कोई भी दो सालों में वो दो बेसिक में से कोई तो एक बेसिक कंडीशन पूरा करे ठीक है और सेवन इयर्स में जो है यानी कि फर्स्ट अप्रैल 2016 से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च टू तक राइट ये सात सालों के दौरान उनका टोटल नंबर ऑफ स्टे कितना होना चाहिए सेवन थर्टी डेज अब इनका स्टे का बात करें तो यहाँ पे देखिए अभी उन्होंने क्या बोला था 2008-9 से लेके वो इंडिया में एवरी ईयर 101 डेज आते थे राइट right? तो अगर मैं दस सालों की बात करूँ बराबर तो वो दस सालों में एवरी ईयर उनका स्टे क्या रहा होगा हंड्रेड एंड वन डेज रहा होगा तो किसी भी साल में उनका वन एट्टी टू डेज़ तो होगा नहीं बराबर है मतलब फ़र्स्ट बेसिक कंडीशन तो एप्लीकेबल होने वाला नहीं है लेकिन सेकेंड बेसिक कंडीशन पूरा होगा उनका एवरी ईयर क्यों कोई भी साल अगर आप पकड़ेंगे मान लीजिए आप टू थाउजेंड देखते हो तो उस साल में वो रेसिडेंट है यानी हम चेक कर रहे हैं तो उनका उस साल में स्टे हंड्रेड डेज है मतलब सिक्सटी से ज़्यादा तो उसके पहले के चार साल का करोगे तो आपको हंड्रेड एंड वन इंटू फोर फोर हंड्रेड एंड फोर डेज़ मिलेगा मतलब वो सेकेंड कंडीशन से रेसिडेंट हो गए उसके पहले वाला साल देखो उसमें भी वही होगा हंड्रेड एंड वन डेज़ है उनका तो सिक्सटी से ज़्यादा है अब उसके पहले के चार साल देखोगे तो अगेन फोर हंड्रेड एंड फोर होगा तो ये सारे सालों के लिए वो क्या होगा सेकेंड बेसिक कंडीशन से रेसिडेंट बनेंगे ठीक है तो इसके लिए यहाँ पर इनका बात करें तो वो जो है वो आपके दसों साल में रेसिडेंट है बराबर है मतलब फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो पूरा हो जाएगा एडिशनल कंडीशन लेकिन सेकेंड एडिशनल कंडीशन का अगर आप बात करेंगे तो खाली हंड्रेड एंड वन डेज वो रह रहे तो अगर मैं पिछले सात साल का एडिशनल करूंगा तो ओनली सेवन हंड्रेड एंड सेवन डेज ही होगा बराबर है तो यहाँ पे मैंने आपको खाली बताया है कि फर्स्ट कंडीशन पूरा हो रहा है बट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्यों हम सेकेंड से प्रूव कर देंगे कि वो सेकेंड पूरा नहीं हो पा रहा उनका देखिए क्योंकि सात ईयर में हम लोग अगर ऐड करते हैं हंड्रेड एंड वन प्लस हंड्रेड एंड वन प्लस हंड्रेड एंड वन तो वो सेवन हंड्रेड एंड सेवन डेज ही होता है जबकि होना कितना चाहिए सेवन ईयर्स का एडिशनल सेवन थर्टी डेज से ज़्यादा बट यहाँ पे वो पॉसिबल हो पा रहा नहीं है तो अगर आप फर्स्ट वाला इस कंडीशन का बात करके बोलते भी हो कि सेकेंड एडिशनल कंडीशन में वो दसों साल में रेसिडेंट है बट वो कोई सेंस बनाएगा नहीं क्यों क्योंकि उनका सेकेंड एडिशनल कंडीशन पूरा ही नहीं होने वाला तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली यही प्रूव कर दिया कि सेकेंड एडिशनल कंडीशन उनका सेवन डेज़ नहीं हो पा रहा वो खाली सेवन डेज़ हो रहा है राइट तो हम लोग कह सकते हैं कि वो सेकेंड एडिशनल कंडीशन नहीं पूरा कर पा रहे इसीलिए वो क्या हो जाएंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो फाइनल हम लोग कंक्लूजन लिख देंगे मिस्टर जोसेफ इज़ अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ओके और अगर वो दो कर लेते पूरा अगर यहाँ पे अगर समझो 207 के जगह पर 101 के जगह पे 105 डेज होते या 110 डेज होते तो शायद सेवन सात ईयर का टोटल करने के बाद वो 730 डेज़ हो जाता तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हाँ वो दोनों बेसिक दोनों एडिशनल कंडीशन पूरा कर पाएंगे तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर उनका सेकेंड एडिशनल कंडीशन पूरा नहीं हो रहा तो वो क्या बन गए हमारे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी हो गए ठीक है तो यहाँ पर हमारा ये जो है वो कम्प्लीट हो जाता है सो so स्टूडेंट्स अब आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री नोट्स असाइनमेंट एंड ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू एग्जाम्स टू ज्वाइन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आपको जो है आपका नाम क्लास और आपका लोकेशन का नाम इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है एंड यू विल बी एडिड टू द व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट तो अगर आपको हमारे ये पिक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक और कमेंट करें और इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें